अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आज निकलने वाली हूँ। तो अभी हमारी पैकिंग हो गई है, फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन छुट्टी होने की वजह से फरहान ने फ्राइडे की ही फ़्लाइट बुक की थी। अभी हम निकल गए हैं मेरा सामान पूरा लेकर। सबसे पहले हम नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बाहर से ही। ये होटल में मैं सबसे पहले आई थी, जिस दिन मैं इधर आई थी इसी होटल पे लाए थे। हम जाते वक्त भी इसी होटल से मैं ब्रेकफास्ट करके जा रही हूँ, और हम दोनों का ये साथ में लास्ट ब्रेकफास्ट है। इंशाल्लाह फिर जल्दी आऊँगी तो फिर जल्दी हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और नाश्ता करने के बाद हम निकल गए हैं जिद्दा के लिए। जिद्दा हम जल्दी निकल गए हैं, मेरी फ़्लाइट है शाम में 4:40 को है। हम जल्दी निकल गए हैं क्योंकि जुम्मा की नमाज़ भी पढ़नी होती है, और एयरपोर्ट में जल्दी जाकर हम एक दूसरे के साथ थोड़ा लास्ट टाइम स्पेंड करेंगे। फिर इंशाल्लाह कितनी देर होगी मुझे आने, कितने दिन होंगे मुझे आने के लिए पता नहीं, इसीलिए हम जल्दी ही निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी हम एयरपोर्ट के नज़दीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जल्दी ख़त्म हो गया। बहुत ही तेज़ शदीद धूप है इधर। जाते जाते रास्ते में बहुत ही दुख हो रहा था मुझे जाने के लिए, जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, और फरहान को भी मुझे भेजने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। क्या करें, फिर अभी टाइम भी हो गया था, मेरा वीज़ा अभी 1 मंथ का था, लेकिन हाजियों का आने का टाइम था। तो मैं चाहती थी जल्दी ही निकल जाऊं, क्योंकि 15 डेज़ में मुझे आना था। 15 डेज़ के लिए मैं क्या रुकूं, इसीलिए मैं पहले ही निकल गई। 2 मंथ्स ही हुआ था मेरा आज। और अभी हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमें नज़र पड़ी जमज़म के पानी के काउंटर की, तो अल्लाह का शुक्र है। जब मैं पैकिंग कर रही थी, मेरा वेट ज़्यादा हो जाने की वजह, सामान का वेट ज़्यादा होने की वजह से मैंने जमज़म का पानी निकाल दिया था। दुख हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमज़म का पानी हमने यहाँ पे करके ले लिया है, और वो हमारे वेट में नहीं आएगा, तो अलग ही वो देंगे हमें हमारे डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे। फिर अभी हम एंटर हो गए हैं। फरहान की शक्ल देखने की थी, बहुत ही दुख हो रहा है उनको भी मुझे भेजने के लिए। हम दोनों 2 दिन से रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं कि अभी जाने का टाइम है। फिर भी इंशाल्लाह वो मुझे फिर से बुला लेंगे, फिर भी अभी जाने का टाइम है तो दुख ही हो रहा था बहुत ज़्यादा। अभी मैं से खड़ी हूँ बोर्डिंग के लिए, अंदर जाने के लिए। अभी मेरा सामान सब चेक होगा, सामान चेक हो जाने के बाद फरहान ने मुझे अलविदा किया, और फरहान को काम से फ़ोन भी आ गया था तो वो मुझे छोड़ के गए हैं। और अभी मैं बोर्डिंग सिक्योरिटी चेकिंग के लिए बहुत ही देर, 15 मिनट्स होगा, इसीलिए मेट्रो में जाने का सजेशन दे रहे थे, तो मेट्रो से आ गई हूँ मैं अभी इधर। अभी आके चलकर सिक्योरिटी चेकिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। और जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को भेजते हैं, या फिर मियां बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, उनको ये फीलिंग का पता चलेगा कि कितना दुख भरा, कितना इमोशनल मोमेंट होता है। अल्लाह सबको इस मोमेंट पर सब्र दे। और अभी मेरी सिक्योरिटी चेक इन होके मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे विंडो वाली सीट ही मिली है, वीडियो देख सकते हैं। और मैं अभी बहरीन पहुँच गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बहरीन तक पहुँचने के लिए मुझे विंडो की ही सीट मिली, क्योंकि मैंने एक वीडियो शूट करना था, फर्स्ट वीडियो पूरा जर्नी का, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और अब तक तो आप सब वीडियो देख चुके होंगे, बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा मंज़र था स्काई का, फ़्लाइट में ऊपर की तरफ जाने का बहुत ही खूबसूरत लगा। और मैं बहरीन में मुझे ज़्यादा वेटिंग नहीं थी, जब मैं आई थी तब मुझे 10.5 घंटे वेटिंग थी, अभी मुझे सिर्फ 1 आवर का वेटिंग था। फिर से मेरी सिक्योरिटी चेक इन हुई, मैं अंदर फ़्लाइट में आ गई हूँ। फिर अभी बहरीन से इंडिया बेंगलोर लैंड होगी इंशाल्लाह ताला। फिर ये बीच में मुझे मील मिला है,
अल्लाह का शुक्र है इस बार मुझे अच्छा खाना मिला है इधर, नहीं तो फ़्लाइट में कुछ तो देते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। फिर मैं कपिल शर्मा शो वॉच करते हुए अपना लंच डिनर कर रही हूँ। फिर डिनर होने के बाद थोड़ी देर मैं सोई थी, फिर उसके बाद मैं अभी लोकेशन चेक कर रही हूँ कि हमारी फ़्लाइट अभी कहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट बेंगलोर पहुँच गई थी वो। फिर वापस बाहर आने के बाद मैं मेरे लगेज का वेट कर रही हूँ अभी। वैसे इधर लगेज मिलने में बहुत ही ज़्यादा लेट होता है। अनफॉर्चुनेटली अम्मी और अब्बू सब लोग जल्दी आ गए थे, लेकिन मैं नीचे की तरफ से बाहर आई थी, वो लोग ऊपर चले गए थे, टर्मिनल 2 के तरफ ऊपर ही गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी आ गए हैं ऑन टाइम बाहर। और मेरे बच्चे जो हैं, मेरे भांजा भांजी उम्रा मुबारक कहते हुए मेरा इस्तकबाल, मेरा वेलकम कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी ही देर पहुंचे थे, मेरे अम्मी और अब्बू, मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी आए थे, मामी आए थे मेरे, और आपी अब्बू अम्मी बच्चे आए थे, वो भी ट्रैवल करके थक गए थे। तो थोड़ी देर हम इधर ही बैठ के खा पी कर निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा था 5:15 सुबह के। फिर हमने टैक्सी ली, चलो। फिर बच्चे जो हैं मेरे हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे, हम आप ही के साथ ही रहेंगे, तो मेरे साथ ही बैठे हैं कार में भी। उसके बाद उन्होंने हमें सेफली ड्रॉप कर दिया। अभी हम घर पहुंच गए थे, नेक्स्ट डे है ये। आज कल ही मैं आई थी, आज मेरे अब्बू का जाने का टाइम आया है। अब्बू अभी आज जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई को जाएंगे, मुंबई से है उनको रियाद की फ़्लाइट। तो अभी हम सब ने स्पेशल बनाया है आज मेरी आने की खुशी में, मेरे अब्बू के जाने के गम में। गम की बात नहीं, लेकिन ये दुख ही है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट ही होता है, क्योंकि हम सब से दूर इतने दिन के लिए जाएंगे अभी अब्बू। हमारी पूरी फैमिली जमी हुई है, मेरे मामी, बड़े मामी, छोटे मामी, मेरे नानी, मेरे छोटे आंटी, बड़े आंटी, सब आए हैं, बच्चे सब। अभी फिर से सबका इमोशनल मोमेंट चल रहा है, क्योंकि हमारे अब्बू को अभी भेजने का टाइम आया है। तो सभी लोग अब्बू से मिल रहे हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स। सबसे ज़्यादा मेरे नानी और मेरे अम्मी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, हमें भी रोना आया, लेकिन मेरे अम्मी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब्बू पूरे 2-2.5 साल बाद जा रहे हैं फिर से रियाद को। क्योंकि अब्बू सबसे मिल चुके थे, मुझे मिलने का ही भूल गए थे, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, फिर अभी मैं मिल रही हूँ अब्बू से। तो अब्बू जो हैं मुंबई जा रहे हैं, तो हम मुंबई तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सफ़र किया है, अब्बू भी बहुत ही थक गए हैं सफ़र कर कर के। फिर से अभी उनको मुंबई तक बहुत दूर तक जाना है। अभी अब्बू को हमने स्लीपर कोच बस बुक की थी, अब्बू ने पहले से ही बुक कर ली थी अपने लिए स्लीपर कोच बस। फिर अभी हम सिर्फ यहाँ उनको बस के पास तक छोड़ कर आएंगे। मुझे जो है बैंगलोर से ही थी, नज़दीक ही था, तो सब लोग आए थे मुझे छोड़ने और लेने के लिए भी। अब्बू को हम सिर्फ यहाँ तक तो छोड़ने के लिए जा ही सकते हैं, तो हम सभी जा रहे हैं अब्बू को छोड़ने के लिए। और मैं पूरे 2 मंथ्स बाद आज स्कूटी चला रही हूँ मैं खुद से। मैं सोची थी कि बैलेंस छूट जाएगा, लेकिन मैं 3 ट्रिपल्स बिठा कर लेकर जा रही हूँ। मामी भी ट्रिपल्स ही लेकर जा रहे हैं, देखें मेरी कज़िन हमारा जर्नी शूट करते हुए। फिर अभी हम बस के पास आकर पहुँच गए हैं ईस्ट वेस्ट। कहाँ हैं अब्बा? हमने सोचा था कि घर यहाँ आकर भी थोड़ी देर रुकना होगा, लेकिन बस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी जाने के लिए। अब्बू जो है अपना सामान रख कर अपनी सीट को चेकआउट करके एक बार बाहर फिर से आए हैं। बच्ची जो है मेरी हमेशा
बहुत ही दुख करती है, सबके लिए इमोशनल हो जाती है। अभी नानू के जाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई है। आज अरमान भी अपने नानू को भेजने के लिए दुख कर रहा है, लेकिन इतना उसको फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अभी भी छोटा है, तो उसको इस बात की पासपोर्ट। फिर जो है बस जो है सिर्फ अब्बू के लिए ही रुकी हुई थी। अब्बू जो है मिलकर अभी बस के अंदर एंटर हो गए हैं, क्योंकि अभी बस को निकलने का ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था। तो अभी हम बस में अब्बू को छोड़ के फिर से वापस घर की तरफ जा रहे हैं, सभी इमोशनल मोमेंट होने के बाद। फिर घर आकर शाम हो गई थी, तो हम सब ने चाय और अम्मी और आपी ने पहले से ही ये रोल्स बना के रखे थे, फ्रिज में स्टोर करके रखे थे। तो ये जो है अभी हम सब ने चाय बनाई सबके लिए, और सबके लिए रोल्स फ्राई करके, डीप फ्राई करके लेकर आए हैं। उसके बाद हम अभी ओपन कर रहे हैं मेरा लाया हुआ पार्सल, मतलब मैंने जो कुछ भी लाया था सऊदीया से, तो वो मैं पूरा अभी ओपन कर रही हूँ मेरे लगेज के साथ। सबके लिए अबायास लाए थे, तो मैं वो सभी को दिखा रही हूँ किस किस का क्या क्या है। सबको सब कुछ उनका देख के हो गया है। अभी सबके अबायास जो आए थे उन लोगों ने पूरे सभी लोग पहन के अभी दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद मामी जो है नेक्स्ट डे उनके काम पर जाना होता है, तो वो रात में ही निकल गए हैं उनके घर के लिए। ये उनका बेटा है सल्लू सलमान। जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स अभी घर में मौजूद थे, सभी लोग जो हैं अपने अपने घर वापस लौट गए हैं। तो इतना ही है व्लॉग। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।